ख़ास तौर पे स्कूलों ने तो उनको बिल्कुल मना कर दिया था वो उनको नहीं लेते थे क्योंकि वो समझते थे कि नॉर्मल बच्चों के साथ उनका पढ़ना बहुत मुश्किल है और जो इस तरह के ख़ास स्कूल थे जहाँ पे डिसेबल बच्चों की पढ़ाई की जा सके या उनकी तरबियत की जा सके वो तादाद में बहुत कम थे और शायद थे भी नहीं सो डिसेबल्ड चिल्ड्रेन हैव इंडिविजुअल नीड्स वांट्स इंटरेस्ट एंड व्यूज अबाउट व्हाट हैपेंस टू देम जस्ट लाइक एनी अदर चिल्ड्रेन तो ये निकगनाइज़ किया गया इस बात की कैंपेन की गई कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनकी भी अपनी ज़रूरिया हैं उनके इंटरेस्ट हैं और वो भी दूसरे बच्चों की तरह सोचते हैं उनका भी दिल चाहता है कि वो कुछ सीखें जितनी उनकी कैपेसिटीज़ हैं उसके मुताबिक तो वो सीखना चाहते हैं ना वो भी जीना चाहते हैं दूसरों लोगों के साथ रहना चाहते हैं तो इसलिए बहुत से ऐसे स्कूल्स और बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वजूद में आई जहाँ पे ऐसे बच्चों की तरबियत के लिए और उनकी पढ़ाई के लिए कोशिश की गई और फिर जो आइडिया था इंक्लूजन का वो भी इन्हीं दिनों में सामने आया कि भाई ख्वा वो दूसरे बच्चों से किसी न किसी एबिलिटी में पीछे हैं लेकिन उनको इंक्लूड तो किया जाए ना इस दायरा तालीम के अंदर सो फैमिलीज़ आर सपोर्टेड द मोर होलिस्टिक व्यू ऑफ़ केयर एंड फैमिली लाइफ तो ये जो कैंपेन और मूमेंट्स थे इनके तहत कोशिश की गई कि सबसे पहले वालदेन को समझाया जाए कि आपके ये बच्चे भी माशरे का मुफीद हिस्सा बन सकते हैं बशर्ते कि इनको बेहतरीन तरबियत और बेहतरीन तालीम जो है वो मैसर आ जाए सो फर्स्ट थिंग डेट वॉज रैंपेंट इन दोज डेज दैट वॉज रिस्पांसबिलिटी फॉर एक्टिव इंक्लूजन अब सारे लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि अगर स्पेशल या डिसेबल बच्चों को अलग से रखा जाएगा तो उनके अंदर माशरे के दू दूसरे लोगों के बारे में अच्छे ख्यालात पैदा नहीं हो सकते वो हमेशा खुद को सेक्लूडेड समझेंगे अलग रहना पसंद करेंगे और माशरे की किसी भी अच्छी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन पाए बन पाएंगे तो क्यों ना उनको दूसरे लोगों के साथ शामिल किया जाए सो चिल्ड्रेन विद स्पेशल लर्निंग एजुकेशनल और हेल्थ नीड्स आर अफेक्टेड बाय अ वाइड रेंज ऑफ लॉज डिसबल चिल्ड्रन हैव द राइट टू इन्जॉय देयर लाइफ तो अब ये कैंपेन में सबसे बड़ी जो बात प्रोपगेट की गई वो ये थी कि उनको भी जीने का हक दिया जाए और ख़ास तौर पे उनके जो खेलने के दूसरों के साथ घुलने मिलने के बातचीत के हकूक हैं वो उनको दिए जाएँ तालीम का हक उनको दिया जाए मुशरे के दूसरे अरकान की तरह रहने और खुश होने का हक दिया जाए इन इंक्लूजन ऑलवेज़ द बेस्ट वे अब देखिए हमारे यहाँ तो ये है ना कि कुछ इदारे इस तरह के हैं जो ख़ास तौर पर डिसेबल बच्चों के लिए या स्पेशल बच्चों के लिए अलग से बनाए जाते हैं वहाँ पे वहीं उनके तरबियत याफ़्त इस हैं जो उनको ख़ास तरह से तरबियत देते हैं ये बात दुरुस्त है कि ऐसे बच्चों की तालीम के लिए बहुत से अलग इक्वमेंट चाहिए अलग तरह के क्लास रूम चाहिए और अलग तरह के ही इस जो उनकी ज़रूरियात को समझ सकें और उसके मुताबिक उनको तालीम दें लेकिन जो आम इदारे हैं जिनको हम मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशनस कहते हैं उनके बारे में भी ये लोगों की राय है कि क्यों ना वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा डिसेबल नहीं हैं या छोटी मोटी तकालीफ का शिकार हैं उनको इन स्कूलों की मेन स्ट्रीम में साथ ही लाया जाए ताकि दूसरों के साथ साथ एक मुकाबले की भी फ़िज़ा पैदा हो और एक कलेबोरेशन की फिजा भी पैदा हो ताकि वो उनकी तरह सीखने की कोशिश करें तो जो मेन स्ट्रीम के अंदर हम ऐसे बच्चों को लेके आते हैं इसको हम इंक्लूजन कहते हैं और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो मेन स्ट्रीम में आएंगे तो उनके साथ खास सलूक किया जाएगा कहा यह कि इन लोगों के लिए आप पूरे निज़ाम तलीम को इस तरह का इक्वलाइज करें कि हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के मुताबिक फीडबैक मिले उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको तालीम और तरबियत मिले